हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेलीवर्क सीके में एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बुकरम के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे कि आप जानते हो, बुकरम तीन तरीके के होते हैं। नंबर वन हमारा हो गया पेस्टिंग वाला बुकरम, और नंबर दो है हमारा नॉर्मली जो कॉटन का बुकरम होता है उस तरीके का बुकरम होता है, जैसे कि घर में जो आप यूज करते हो। और नंबर तीन होता है हमारा फ्यूजिंग वाला बुकरम, जो कि हम शेड्स वगैरह रेडीमेड शेड में जो यूज होता है वही आला बुकरम होता है, फ्यूजिंग पेपर वाला। और जो हम घर में यूज करते हैं वो होता है इस तरीके का कॉटन बुकरम, और जो टेलर यूज करते हैं वो होता है पेस्टिंग वाला बुकरम, जो कि आपको मार्केट में मिल जाता है। और इसकी जो प्राइस होते हैं ये होता है हमारा 40 रुपए मीटर, यानी हमारा सबसे महंगा बुकरम होता है पेस्टिंग वाला। और ये वाला बुकरम जो हमारा है होता है ये होता है 25 रुपए मीटर, यानी सबसे सस्ता। और जब बात करते हैं लास्ट वाले की, तो ये होता है हमारा 30 रुपए मीटर। तो यानी सबसे महंगा बुकरम जो होता है हमारा होता है पेस्टिंग वाला। तो मैं इस तीनों बुकरम के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा बुकरम किस तरीके से हमें यूज करना है। तो अब मैं आपको इस पे एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ कि कौन सा बुकरम में हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो मैं आपको इस तीनों बुकरम को पानी में स्लिंग करके दिखाऊंगा, और आप खुद समझ पाएंगे कि कौन सा बुकरम सब में ज्यादा बेस्ट है और आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, मैंने एक तरीके का एक थाली ले ली है, जैसे कि आप देख सकते हो। हमें इस थाली में थोड़ा मैं पानी डाल देता हूँ, इतना पानी डाल देता हूँ कि जितना कि इसमें हमारा बुकरम अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो नंबर वन हम पहले वाले बुकरम की बात करते हैं, जो कि कॉटन बुकरम है नॉर्मली, जो कि लेडीज घर में ज्यादातर सिलाई जब करती हैं वो यूज करती हैं। तो मैं इसको पानी में आपको भिगो के दिखाता हूँ किस तरीके का हो जाता है। तो आप देख सकते हो भीगने के बाद ये किस तरीके का हो गया है, और आप पानी में भी देख सकते हो इसका जो ऊपर का ही चूना टाइप जो लगा होता है सब हमारा इसका उतर गया है। तो आप देख सकते हो ये एक ही धुलाई में इसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो इस वाले बुकरम को अभी हम सुखा लेते हैं। तो अब हम करते हैं फ्यूजिंग पेपर वाले बुकरम की बात। तो अब हम इसको भी पानी में भिगो के एक बार देखते हैं ये हमारा रिजल्ट इसका किस तरीके से आता है। तो जैसे कि हमने इसको पानी में भिगोया, जैसा आप देख सकते हो इसमें हमें कुछ भी फर्क, मतलब कुछ भी हमें इसमें कमी नहीं दिख रही है। जैसा था ये हमारा पहले जैसा ही वैसे ही है। तो इसको भी हम अभी सूखने के लिए रख देते हैं, और अब बात करते हैं पेस्टिंग बुकरम की, जो कि मैंने आपको बताया था टेलर्स वगैरह यूज करते हैं। हम इसको भी पानी में भिगो के देखते हैं ये किस तरीके का होता है। तो इसको भी हमने पानी में भिगो के देखा, आप देख सकते हो इसके बगैर ऊपर भी जो हमारा पेस्टिंग मतलब लगा होता है फ्यूजिंग मतलब चूना वगैरह जो भी होता है वो इसमें से कुछ भी नहीं हटा, मतलब जैसा कि पहले था वैसे ही अब है। तो मैं इसको तीनों को सुखा देता हूँ, सुखाने के बाद हम देखते हैं कि तीनों बुकरम हमारे किस तरीके के होते हैं। हमने पानी में तीनों को मैंने आपको भिगो के दिखाया था, तो आप देख सकते हो भीगने के बाद कौन सा बुकरम कैसा हो गया है। ये हमारा फ्यूजिंग वाला पेपर जैसे था वैसे की वैसे है, इसमें हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जैसे कि पहले था। तो धुलने के बाद भी वॉश करने के बाद भी हमारा थोड़ा ये वैसे ही है। और बात करते हैं नंबर दो पेस्टिंग वाले बुकरम की, तो इसमें भी हमें कुछ भी फर्क नहीं मिला, जैसा पहले था बाद में भी हमारा वैसे ही है। और नंबर तीन जब हम बात करते हैं ये कॉटन बुकरम की, जो कि नॉर्मल होता है वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है, धुलने के बाद आप इसको देख सकते हो इसकी गर्द कैसे बिगड़ चुकी है। ये नॉर्मली सा एक कपड़े जैसा हो चुका है, मतलब जो भी इसका कर्रा बनता जो भी इसमें फोल्ड लगा हुआ था सब ज्यादा छूट चुका है। और आप देख सकते हो इसमें हम उसके जो व्हाइट व्हाइट कलर का चूना था ये हमारे हाथों पे लग रहा है, और ये बहुत ज्यादा। तो आप सोच सकते हो अगर आप इसको कपड़े के अंदर लगाएंगे तो जब आप वॉश करेंगे अगर वो ब्लैक हुआ तो आपके कपड़े पे बहुत ज्यादा बुरा मतलब वाइट वाइट अलग ही दिखेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप इस बुकरम को कम से कम ही यूज कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको सीखने के तौर पे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको सूट के तौर मतलब अंदर लगाएंगे तो आपके सूट में थोड़ा ये बनने के बाद इस तरीके का हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।